तो गाइज आज हम जिस मूवी के बारे में बात करने जा रहे हैं उस मूवी ने एक बोलता हुआ रकून और एक आई एम ग्रूट बोलता पेड़ दिखाकर खुद को 2 ऑस्कर के लिए नॉमिनेट कर लिया। गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी बेस्ड है 5 इंटरगैलेक्टिक क्रिमिनल्स पर जो कि अपनी गैलेक्सी को बचाने के लिए एक सन की वॉरियर रोनन का सामना करते हैं और एक इन्फिनिटी स्टोन से खुद को नुकसान पहुंचा के अपने प्लान को सक्सेसफुल बनाते हैं। ये वो मूवी है जिससे किसी को कोई उम्मीद नहीं थी, पर अपने रिलीज के साथ ही इस मूवी ने बच्चे बच्चे को गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी का फैन बना दिया। आज हम बात करने जा रहे हैं फेज 2 की 4th मूवी गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के बारे में। इस मूवी को डायरेक्ट किया है जेम्स गन ने, जिन्हें मूवी 43 और स्लिदर के लिए भी जाना जाता है। इस मूवी का बजट $170 मिलियन था और इस मूवी ने टोटल कमाई करी $774 मिलियन की। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 8.1 out of 10 और इस मूवी ने अपने 151 नॉमिनेशंस में से टोटल 52 अवार्ड जीते हैं। गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के डायरेक्टर जेम्स गन स्टार लॉर्ड का रोल प्ले कर रहे क्रिस प्रैट का ऑडिशन नहीं देखना चाहते थे। उनके हिसाब से क्रिस को ऑडिशन देने की जरूरत नहीं थी, पर क्रिस प्रैट ने ऑडिशन दिया जिसके 30 सेकंड्स में ही जेम्स गन ने कह दिया कि वो जानते ही हैं कि क्रिस इस रोल के लिए बेस्ट हैं। मूवी में पहले थैनोस को नहीं दिखाया जाने वाला था, पर जेम्स गन ने थैनोस को मूवी में रखा ताकि ऑडियंस इस मूवी को द एवेंजर्स से जोड़ पाए, पर लास्ट में लिए गए इस फैसले की वजह से जॉश ब्रोलिन को उनके रोल के लिए क्रेडिट नहीं किया जा सका। जब डेव बतिस्ता को पता चला कि उन्हें ड्रैक्स द डिस्ट्रॉयर का रोल मिल गया है तो वो खुशी के मारे रोने लगे। वो मार्वल कॉमिक बुक रोल करने के लिए इतने बेचैन थे कि उन्होंने तुरंत एक एक्टिंग कोच रख लिया। साथ ही साथ उनके मेकअप के लिए उन्हें रोज 5 घंटे बैठना पड़ता था जिसमें उनकी बॉडी पर 18 प्रोस्थेटिक टैटू लगाए जाते थे। मूवी में पीटर क्विल ने जो कैसेट प्लेयर यूज किया था वो था सोनी TPS-L2। ये दुनिया का पहला पर्सनल कैसेट प्लेयर था जो कि 1979 में रिलीज हुआ था। इसको ओरिजिनली कहा जाता था साउंड अबाउट, पर बाद में इसे कहा गया वॉकमैन। ग्रूट की आवाज देने वाले विन डीजल के हिसाब से इस रोल ने उन्हें मुश्किल वक्त से गुजरने में हेल्प करी। उनके दोस्त पॉल वॉकर की डेथ ने उन्हें हिला के रख दिया था, पर ग्रूट जैसे कैरेक्टर जो कि लाइफ को एंजॉय करता है इस कैरेक्टर को प्ले करने में उन्हें बहुत खुशी मिली। साथ ही साथ विन डीजल ने आई एम ग्रूट 7 से भी ज्यादा लैंग्वेज और 1000 से भी ज्यादा बार रिकॉर्ड किया। क्रिस प्रैट ने सेट पर से अपना स्टारलॉर्ड कॉस्ट्यूम चुरा लिया था ताकि वो हॉस्पिटल में बीमार बच्चों से स्टारलॉर्ड बन के मिल सके। इस मूवी का साउंडट्रैक ऑसम मिक्स वॉल्यूम 1 US बिलबोर्ड 220 चार्ट पर नंबर 1 पर आ गया था। ऐसा पहली बार हुआ था कि एक फिल्म का साउंडट्रैक इस पोजीशन पर आ गया हो, जबकि इस मूवी में ओरिजिनल म्यूजिक नहीं यूज किया गया। साथ ही साथ ये साउंडट्रैक 2015 के ग्रैमी अवार्ड्स के लिए भी नॉमिनेट हुआ था। मूवी के एक सीन में पीटर जब कलेक्टर को ऑर्ब देने जाता है तो ऑर्ब उसके हाथ से छूट जाता है। ये चीज स्क्रिप्ट में नहीं थी, पर क्रिस प्रैट ने इस सीन को कंटिन्यू रखा और लास्ट में इस सीन को मूवी में इंक्लूड किया गया। इस मूवी के ट्रेलर के लिए ब्लू स्वीट का हुक्ड ऑन अ फीलिंग सॉन्ग यूज किया गया था जिसके बाद इस गाने की सेल 700% बढ़ गई। मूवी में रॉकेट की आवाज देने वाले एक्टर थे ब्रैडली कूपर, जिनके हिसाब से उन्हें इस मूवी के लिए उनकी मशहूर फिल्म सिल्वर लाइनिंग बुक और द हैंगओवर से भी ज्यादा पैसे मिले थे। मूवी में कोरात का रोल प्ले कर रहे जीमोन हॉन्सू ने ड्रैक्स के रोल के लिए ऑडिशन दिया था। उन्होंने एक सुपर हीरो मूवी में काम करने का फैसला इसलिए लिया क्योंकि उनके बेटे ने एक बार उनसे कहा कि काश वो वाइट होता ताकि वो स्पाइडरमैन बन पाता, तो उन्हें इस बात से बहुत दुख हुआ था। मूवी में जब गार्डियंस को अरेस्ट किया गया तब रॉकेट के एसोसिएट्स में ग्रूट और लायला लिखा हुआ था। लेडी लायला एक सेंटिएंट ऑटर है, साथ ही साथ वो मेन मार्वल यूनिवर्स में रॉकेट की सोलमेट भी है। मूवी के एक फाइट सीक्वेंस में गमोरा का रोल प्ले करी जो सल्डाना ने क्रिस प्रैट की रिब्स तोड़ दी। ट्रेनिंग के टाइम क्रिस और जो सल्डाना प्रोटेक्टिव गियर पहन के प्रैक्टिस करते थे, पर फिल्मिंग के दौरान क्रिस अपने प्रोटेक्टिव गियर पहनना भूल गए और जो सल्डाना ने बिना जाने उन्हें रिब्स में एक जोरदार लात मारी जिसके इम्पैक्ट से वो उसी टाइम जमीन पर गिर गए। जब गार्डियंस कलेक्टर से नेगोशिएट कर रहे थे तब होलोग्राम्स में हमें इन्फिनिटी स्टोन सिस्टर्स भी दिखी जिनके साथ हमें एथर और टेसरेक्ट भी दिखे। मूवी में नेबुला का रोल प्ले करी कैरन गिलन को जब उनका रोल ऑफर किया गया तो उन्हें इस बात से बहुत खुशी हुई, साथ ही साथ अपने रोल के लिए उन्होंने अपने बाल भी शेव करा लिए। तो गाइस ये थे कुछ जबरदस्त फैक्ट्स गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे कई सारे सुपर कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।